Brought to you by Probo. Na na. Aise, ka game hai, Probo. The power of yes and no. The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो दो, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में और कल से इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा और इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जिस तरह से पिच तैयार की जाएगी हो सकता है इंडियन टीम जो है अपने प्लेइंग इलेवन में बदलाव करे और एक स्पिनर को एक्स्ट्रा खिलाकर एक तेज़ गेंदबाज को आराम कर दे यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि शायद हो सकता है कुलदीप यादव आपको पहली बार अपने घरेलू आ, स्टेडियम में खेलते नजर आएंगे और हो सकता है मोहम्मद सिराज को यहाँ पर आराम मिलेगा कुलदीप यादव की बात करते हैं 25 मार्च 2017 में उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और लगभग लगभग लग देखा जाए तो टेस्ट करियर उनका काफ़ी ज़्यादा छोटा रहा है अभी तक 12 मैचेस ही खेले हैं आइए देखते हैं सबसे पहले उनकी आ, आ, करियर को लेकर बात करते हैं एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इस कंसर्न इंडिया में उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं अवे में कितने खेले और किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है कुलदीप यादव का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं जिसमें 53 विकेट्स हैं और इकोनॉमी देखिए 3.40 की है बेस्ट फिगर जो है उनका फाइव पर चालीस रन देकर पांच विकेट है और अगर आप होम में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे इंडिया में तो आठ मैचेस खेले हैं 35 विकेट हैं इकॉनमी 3.46 की है और आपको ये बता दें कि पैंतीस विकेट है आ, अभी फिलहाल जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो उस वक्त कुलदीप यादव चार टेस्ट मैच का हिस्सा थे 19 विकेट्स जी हां 19 विकेट उस सीरीज में कुलदीप यादव ने अपने नाम किए थे एक पांच विकेट हॉल भी उनके नाम था प्लेयर ऑफ दी मैच का भी एक अवार्ड उनके नाम था तो आप देख सकते हैं कि घर पे वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से परफॉर्म करते नजर आते हैं अवे में किस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है वो देख लेते हैं चार मैचेस उन्होंने खेले हैं 18 विकेट है उनके नाम इकोनॉमी 3.29 की रही है तो क्या अब उनका जो इंतज़ार है अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का क्या वो ख़त्म होगा लग कुछ ऐसा ही रहा है क्योंकि यही खबर आ रही है कि जिस तरह से पिच बनाई जा रही है उसमें स्लो टर्न होगी काफ़ी फ्लैट विकेट नज़र आ सकती है और इस कारण जो है रोहित शर्मा जो है एक एक्स्ट्रा स्पिनर्स के साथ आपको जाते नजर आएंगे कुछ तस्वीरें आएं आई हैं कानपुर की किस तरह से जिस तरह से कल इंडिया का सेशन रहा वो तस्वीरों पे नज़र डालते हैं विराट कोहली नज़र आए जसप्रीत बुमराह नज़र आए कुलदीप यादव जो है वो नेट पर नजर आए हालांकि आपको आप बता दें कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर आ, आ, मैच खेला गया था दो में इंडिया और न्यूज़ीलैंड के बीच में तो स्पिनर्स हालाँकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था जडेजा थे अश्विन थे लेकिन वहाँ पर अक्षर पटेल को टीम में जगह मिली थी और यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुलदीप यादव जो है अक्षय पटेल को पछाड़ कर टीम का हिस्सा हो सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा जो है पिच को इंस्पेक्ट करते काफ़ी देर तक नज़र आए थे और अभ्यास से पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच गंभीर ने सबसे पहले वहाँ मौजूद बी -सी -सी के पिच क्यूरेटर आशीष भौमिक और वहाँ के जो पिच क्यूरेटर है शिव से तैयार हुई पिच को लेकर काफ़ी देर तक चर्चा भी की थी इसके बाद छः नंबर पिच को जो है तैयार करने की जो है स्टार्ट करने की सारी चीज़ें प्रक्रिया स्टार्ट हुई इसके बाद आपको बता दें कि जो कल से मैच शुरू होने वाला है उसके लिए पाँच और छः नंबर पिच को तैयार किया गया है दोनों पिचों में जो है हरी घास का थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा पाँच नंबर पिच पर हरी घास थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी वहीं अगर छः नंबर की पिच की बात की जाए तो वहाँ पर घास हल्की है और थोड़ी सी सुनहरी रंग की नज़र आएगी पिच तय होने के बाद उस पर थोड़ी घास काटी गई यहाँ पर उसके बाद अब थोड़ी सी उसमें घास मौजूद नजर आ रही है पिच को पूरी तरह से आ, साफ नहीं किया गया है इस पर थो, थोड़ी बहुत घास जो थी उसे अभी आ, द, द, नजर आ रही है पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने बताया कि यहाँ पर छः नंबर पिच को शुक्रवार के में जो मैच होने वाला है फ्राइडे को उस मैच के लिए शायद चुना जाएगा अगर ऐसा होता है तो स्पिनर्स यहाँ पर आपको आ, देख नजर आ सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि कुलदीप को शायद साढ़े सात साल बाद मौका मिल सकता है अपने होम ग्राउंड पर डेब्यू करने का जी हाँ पहली बार अपने होम ग्राउंड पर वो आपको खेलते नजर आ सकते हैं अगर रोहित शर्मा कुलदीप यादव को प्लेइंग एलेवन का हिस्सा बनाते हैं हो सकता है मोहम्मद सिराज को आराम दिया जा सकता है उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते आपको याद दिला दिए अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्रोबो को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर और वहाँ पर आसान से सवालों के जवाब दीजिए जिनके ऑप्शन दो होते हैं येस और नो भी हो सकता है बाकी दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं उनमें से आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है उन पर क्लिक करिए और जीतिए लाखों के इनाम अभी के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद فانकिच्यु स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ बसु स्पोर्ट्स तक के साथ